नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती बिहार के कद्दावर नेता और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव की हालत नाजुक बताई जा रही है। 21 सितंबर को उन्हें सांस में तकलीफ की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शरद यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी तबीयत पिछले महीने से ही खराब चल रही थी। बीते 24 सितंबर को पत्र जारी कर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव उर्फ सुभाषिनी बुंदेला ने अपने पिता की सेहत खराब होने की जानकारी दी थी। सुभाषिनी ने यह भी कहा था कि उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं 15 अगस्त को शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर कहा था कि हमारे आदरणीय पिता शरद यादव जी की तबीयत कुछ समय से नासाज चल रही है और कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं। आपकी दुआओं से वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में मेरे अनुज शांतनु ने परंपरागत रूप से दिल्ली आवास पर झंडोत्तोलन किया है। उसके बाद 2 सितंबर को उन्होंने शरद यादव के घर लौटने की सूचना दी थी। उन्होंने लिखा था कि मसीहा लौट आया है। आप सबकी निरंतर प्रार्थनाओं और दुआओं से हमारे पिता आदरणीय शरद यादव स्वस्थ और दुरुस्त होकर अस्पताल से घर लौट आए हैं। उनकी सेहत पहले से अब काफी बेहतर है। उसके बाद सांस लेने की समस्या होने पर दोबारा 21 सितंबर को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।